और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा पहुंचने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद के किसान भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि अब हरियाणा कांग्रेस में मतभेद नहीं होगा। वहीं नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर भी उदय भान ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सारा जो हमारे बेरोजगारी का है, जो आज हालत जो हो रही है पूरे प्रदेश में, 32 बार पर्चे लीक हो चुके, 182,000 लोग ये पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ठप होकर के रह गई है, आज पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ पर कोई रजिस्ट्री घोटाले हुए, चावल घोटाले हुए, शराब घोटाले हुए, यहाँ पर खनन घोटाला हुआ, कोई SIT बनती है उसकी कोई रिपोर्ट कभी नहीं आती, तो पूरी तरह से त्राही त्राही पूरे प्रदेश के अंदर मची हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, सारे प्रदेश को कर्ज में बांध दिया है, 3,17,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में पहुँचा दिया है इन्होंने, कोई बड़ा कोई काम नहीं हुआ। आज हर बच्चा जो पैदा होता है हरियाणा में, आज 1,20,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है, आज क्या स्थिति में हरियाणा पहुंचा दिया है। जो हरियाणा इन्वेस्टमेंट में, निवेश में जो है ना नंबर 1 पे होता था।